हेलो दोस्तों, मैं सी कुशल सोनी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल, जहां हम लाते हैं आपके लिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। फाइनेंशियल ईयर 1920 का लास्ट मंथ चल रहा है, मार्च 2020। कुछ दिन बचे हैं आपके पास टैक्स सेविंग करने के लिए, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ जो आपको ध्यान में रखनी है टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स खरीदने से पहले। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो फ्यूचर में आप बहुत सारा टैक्स सेव कर सकते हैं और आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को और ज़्यादा बेहतर इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स तक बहुत आसानी से पहुंच जाएं। सबसे पहली एडवाइस जो मैं आपको देना चाहता हूं, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो मार्च के महीने में अगर आप एक फिक्स्ड एसेट खरीद सकते हैं अपने बिजनेस यूज़ के लिए, तो प्लीज़ खरीद लीजिए और उसको यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। हाँ जी, अगर आप बिजनेसमैन हैं और फिक्स एसेट खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो मार्च 2020 मंथ इज द बेस्ट मंथ, बिकॉज दिस इज द लास्ट मंथ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अगर आप मार्च 2020 में कोई फिक्स एसेट खरीदते हैं, तो आपको पूरे 6 महीने का डेप्रिसिएशन इन इनकम टैक्स एक्ट 1961 क्लेम करने के लिए मिल जाता है। एसेट यूज करें 1 महीने के लिए, डेप्रिसिएशन क्लेम करें पूरे 6 महीने के लिए। ये प्लानिंग आपको हेल्प कर सकती है बहुत सारा टैक्स बचाने में। नेक्स्ट एडवाइस जो मैं आपको देना चाहूँगा वो ये है कि अगर आप इंश्योरेंस खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो प्लीज़ खरीद लीजिए। इंश्योरेंस खरीदते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखें। इंश्योरेंस हमेशा फैमिली के अर्निंग मेंबर का खरीदें, इंश्योरेंस फैमिली के कभी भी नॉन अर्निंग मेंबर का ना खरीदें। छोटे बच्चों का इंश्योरेंस कराना इज़ यूजलेस, वो इंश्योरेंस आपको कभी भी कोई बेनिफिट नहीं देगा। इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट्स को कभी भी क्लब ना करें, इन्वेस्टमेंट्स सेपरेटली करें, इंश्योरेंस बिल्कुल सेपरेटली करें, और कोशिश करें टर्म प्लान्स खरीदें, मनी बैक पॉलिसीज बिल्कुल भी ना खरीदें। मेडिकल इंश्योरेंस का बेनिफिट आपको मिलता है सेक्शन 80D ऑफ इनकम टैक्स 1961 में। अगर आप मार्च में मेडिकल इंश्योरेंस खरीदने की सोच रहे हैं, तो आप प्लीज़ खरीद लें, बिकॉज दिस इज द बेस्ट टाइम। मेडिकल इंश्योरेंस की पॉलिसी कुछ ऐसी खरीदें जो एक ब्लैंकेट पॉलिसी हो और फैमिली के सारे मेंबर्स उसमें कवर हो जाएं, बिकॉज वी नेवर नो, एक छोटी सी मेडिकल इमरजेंसी आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग डिस्टर्ब कर सकती है, तो मेडिकल इंश्योरेंस ज़रूर खरीदें। अगर आपको प्योर टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स करने हैं, तो मोटे मोटे तौर पर हमारे पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। दैट इज़, फर्स्ट इज़ फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट मिनिमम फॉर 5 ईयर्स, म्यूचुअल फंड्स या फिर इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स मिनिमम फॉर 3 ईयर्स, एंड पब्लिक प्रोविडेंट फंड दैट विल गोइंग टू बी प्लग फॉर 16 ईयर्स। ये इनके लॉक इन टाइम है। आप इन तीनों ऑप्शन में से किसी पे भी जा सकते हैं, बट यहाँ पे इन तीनों ऑप्शन में जाने से पहले आप अपना रिस्क एपेटाइट इवेलुएट कर लीजिए। अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो आप म्यूचुअल फंड ELSS में जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, तो हो सकता है रिटर्न्स भी आपको ज़्यादा मिल जाएं। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स के साथ रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरी कैपिटल सेफ रहे, तो आप फिक्स डिपॉजिट्स करवा सकते हैं बैंक्स में, पोस्ट ऑफिसेस में, और बैंक्स में पोस्ट ऑफिसेस में पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट ओपन करवा के उसमें अमाउंट डिपॉजिट भी करवा सकते हैं, अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो। अगर आप में रिस्क एपेटाइट है और आप रिटर्न ज़्यादा चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड और इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम प्लान्स आर बेटर फॉर यू। टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स करते वक्त आप एक चीज़ का और ध्यान रखें, आपकी लिक्विडिटी पोजिशन क्या है। आपके ऊपर अगर काफ़ी सारे लोन्स आउटस्टैंडिंग हैं और आपको EMIs देनी होती हैं, देन इट इज़ माई एडवाइस टू यू दैट प्लीज़ फर्स्ट रीपे योर ऑब्लिगेशंस, देन गो फॉर टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत बेहतर होगी, बिकॉज टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं देंगे, बट वहाँ पर आपके लोन ऑब्लिगेशन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। तो ये बेटर है कि आप अपने पहले ऑब्लिगेशंस पे करें। अगर आपके पास फिर भी कुछ सरप्लस अमाउंट बचता है, तो आप टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स के लिए जा सकते हैं। मोटे मोटे तौर पे कंक्लूजन ये है कि आपके पास पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम की रिक्वायरमेंट कितनी है, आप उसके हिसाब से टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट करें, बट टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने लोन के ऑब्लिगेशंस, अपनी EMIs को मीट आउट करें। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से टैक्स पेयर्स के पास एक न्यू टैक्स रिजीम में जाने का ऑप्शन है। अभी बजट में कुछ ऐसे टैक्स प्रपोजल्स आए हैं जहाँ पे 2 टैक्स रिजाइम हो चुकी है, एक ओल्ड टैक्स रिजाइम, एक नई टैक्स रिजाइम। तो यहाँ पे टैक्स पेयर के पास नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, नॉट इन दिस फाइनेंशियल ईयर बट इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, दैट इज फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में न्यू टैक्स रिजाइम में जाके रिटर्न फाइल करना, टैक्स पेमेंट करने का एक ऑप्शन है। न्यू टैक्स रिजाइम में एक बात है कि वहाँ पे किसी भी इन्वेस्टमेंट, किसी भी डिडक्शन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको पुरानी टैक्स रिजाइम में जाना है, तो ही आप डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस का बेनिफिट ले सकते हैं। नई टैक्स रिजाइम में कोई डिडक्शन एग्जेम्पशन का बेनिफिट नहीं है। तो अगर आप कोई लॉन्ग टर्म टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसका ऑब्लिगेशन आपके सामने हर साल आने वाला है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कोई SIP ले ली
या फिर कोई ऐसा प्लान इंश्योरेंस का ले लिया जहां पे आपको हर साल इन्वेस्टमेंट करना है और प्रीमियम पे करना है या SIP की इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है और आप नेक्स्ट ईयर ये डिसाइड करते हैं दैट आई विल गो फॉर न्यू टैक्स रिजाइम, तो आपको ये वाला इन्वेस्टमेंट नेक्स्ट ईयर टैक्स सेविंग नहीं करेगा, आप इस इन्वेस्टमेंट से टैक्स सेविंग नहीं कर पाएंगे नेक्स्ट ईयर। तो कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फॉर टैक्स पर्पजेस करने से पहले इस चीज़ को अच्छे से इवैल्यूएट कर लें, आप नेक्स्ट ईयर से नई टैक्स रिजाइम में जाना चाहते हैं या पुरानी टैक्स रिजाइम में रहना चाहते हैं, ये आप अच्छे से इवैल्यूएट कर लें। अगर आप कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फॉर टैक्स पर्पजेस जिसका ऑब्लिगेशन हर साल आपको पे करना है, ये इस चीज़ का सोल्यूशन लेने के लिए आप अपने CA अपने एडवोकेट से कंसल्ट भी कर सकते हैं, प्रोफेशनल एडवाइस लें उसके बाद इन्वेस्टमेंट करें। तो ये था हमारा इस वीडियो ऑल अबाउट टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट इन द मंथ ऑफ मार्च 2020। दैट इज द लास्ट मंथ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2019-20। अगर आप प्लानिंग करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, प्लीज़ डू फास्ट, टेक एक्शन एंड मेक इन्वेस्टमेंट इफ़ पॉसिबल फॉर यू, और करें बहुत सारा टैक्स सेव और करें एक बेहतर प्लानिंग आने वाले फ्यूचर के लिए। अगर आपका टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, बहुत सारे लोगों के साथ इसको शेयर कर दें, क्योंकि ये वीडियो टैक्स सेविंग्स, टैक्स इन्वेस्टमेंट्स और टैक्स प्रपोजल्स लॉस की नॉलेज बढ़ाने वाला वीडियो है। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।